नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट ऑफ गवर्नमेंट जॉब विद आर के। दोस्तों, HSC ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट के बारे में एक नई खबर आई है। यदि आप जानना चाहते हैं कि क्या खबर है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आपके पास जितने भी ग्रुप है उन सभी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं क्या न्यूज़ आई है। दोस्तों, ये मेरे पास हरिभूमि न्यूज़पेपर की कटिंग है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी हाल ही में जो हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी है, जो चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा, वो बदल दिए गए हैं। तो अब जो नए चीफ सेक्रेटरी आए हैं उन्होंने क्या कहा है उसके बारे में हम देखेंगे। इसमें कहा गया है ग्रुप डी के खाली रह गए पदों को जल्द भरा जाएगा। मुख्य सचिव कार्यालय ने विभागों से पदों के संबंध में मांगी रिपोर्ट। तो इन्होंने बोला है 6 अक्टूबर तक सूचना भेजने के निर्देश दिए हैं। सब डिपार्टमेंट को इन्होंने नोटिस भेजा है कि 6 अक्टूबर तक कितनी पोस्ट खाली है, कितनी भर गई है, कितने बच्चों ने रिजाइन दे दिया, कितने बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है, तो वो सारा डाटा जो सब डिपार्टमेंटों से इन्होंने मांगा है। पहले भी बहुत सारे नोटिस भेज दिए गए हैं जिनका कोई भी जिन पे एक्शन नहीं लिया गया है। देखते हैं जो नए चीफ सेक्रेटरी साहब आए हैं वो इसके बारे में क्या एक्शन लेते हैं और क्या करते हैं। इन्होंने ये बोला है कि जल्दी ही जो ग्रुप डी के खाली पद है उनको जल्दी ही भरा जाएगा। तो दोस्तों, ये एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।